हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहां पर हम आपसे आज बात करने वाले हैं जीआरएसी का। ध्यान दीजिएगा, जीआरएसी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है अप्रेंटिसशिप के लिए और हम आज इसी के रिगार्डिंग आप सभी के सामने आए हैं इस अपडेट को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी अपडेट्स आपको टाइम पर मिलते रहे। तो ओके गाइस, सबसे पहले चलेंगे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन और जानेंगे कि क्या क्या पोस्ट आ गया है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई, ध्यान रखेंगे आईटीआई के लिए यहाँ पर अलग अलग 163 पोस्ट के लिए डिमांड की गई है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ट्रेड क्या क्या आप लिखे बने तो ध्यान दीजिएगा, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर, ड्राफ्टमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि कोपा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर मैकेनिक, फिटर, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, मैकेनिक, मैकेनिक टूल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेशन। कौन कौन से जगह पे आपकी प्लेसमेंट दी जाएगी यानी कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगी, कोलकाता एंड रांची के लिए ये अप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक्स आईटीआई के लिए 163 पोस्ट। अप्लाई कैसे करना है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 14 साल कम से कम एज होना चाहिए, मिनिमम एज जो है 14 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 25 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाएगी एससी एसटी कैंडिडेट्स को, ओबीसी को और फिजिकली हैंडीकैप को। इसके अलावे अप्लाई कहाँ करना है आपको, apprenticeshipindia.gov.in पे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन आफ्टर आप यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेशर के लिए, तो फ्रेशर के लिए टोटल यहाँ पे 40 पोस्ट रखे गए हैं रिलीवेंट ट्रेड में। जो ट्रेड आपको यहाँ पर डिमांड किया गया था, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, पाइप फिटर, मैकेनिक्स। अब यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड चाहिए, 10th स्टैंडर्ड में आपका यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेशर के रूप में। क्या रहेगा अगेन एज क्राइटेरिया, 14 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 20 ईयर्स रखा गया है। अप्लाई कैसे करेंगे तो आईटीआई वाले जितने भी हैं, चाहे फ्रेशर हों या एक्स आईटीआई हों, डायरेक्टली आप जाएंगे apprenticeshipindia.gov.in पर अप्लाई करेंगे। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है ग्रेजुएट के लिए, तो ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे 16 पोस्ट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड सिविल। आपको रिक्वायर्ड क्या है, बीटेक मांगा गया है मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर अप्लीकेबल है तो स्ट्रक्चरल भी यहाँ पे चलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट डोमेन दिया गया है कि स्पेसिफिक फील्ड में भी अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या रहेगा, अब यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस कहाँ अप्लाई करेगा तो ध्यान रखेंगे, ग्रेजुएट अप्रेंटिस portal.mhrd.net/mhrd.nets/gov.in पर अप्लाई करेगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा गाइज, मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है 14 ईयर्स रखा गया है एज का और मैक्सिमम रखा गया है 26 ईयर्स। रिजर्वेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के साथ साथ पीएच को दिया जाएगा। क्लियर रहेंगे। चलिए अब बात आती है कि ग्रेजुएट में भी कौन अप्लीकेबल है, तो 2020, 2021 और 2022 में जिन लोगों ने बी बीटेक कंप्लीट किया है, बीएससी इंजीनियरिंग कर रखा है तो यहाँ पर अप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, तो डिप्लोमा वालों के लिए है, अगेन इसमें भी आपका 30 पोस्ट रखा गया है, सेम जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस का रखा है वही क्राइटेरिया आपका यहाँ पर डिप्लोमा के लिए भी रखा गया है, बशर्ते कि यहाँ पे ईयर जो अप्लीकेबल है वो अगेन 2020, 2021 और 2022 वाले, MEMTECH या फिर हायर डिग्री वाले कोई भी यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है, MBA वाले भी अप्लीकेबल नहीं है इसके लिए HR में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको ये बता दिया गया है कि अप्लीकेशन किस तरीके से और कौन एलिजिबल है। नेक्स्ट चीज़ें हमारे पास आती है, किसको स्टाइपेंड मिलेगा और किसको यहाँ पर कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे डिप्लोमा और ग्रेजुएट www.portal.mhrd.net पे आपको जाकर के अप्लाई करना है। इसके बाद आता है एज रिलैक्सेशन, तो गाइस ध्यान देंगे एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो एससी कैंडिडेट को 5 ईयर्स, एससी एसटी को 5 ईयर्स, ओबीसी 3 ईयर्स और यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप को 10 ईयर्स, और मिनिमम फिजिकल हैंडीकैप के लिए 40% का ऊपर का डिसेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, अप्लीकेशन प्रोसीजर, सबसे पहले आप जाएंगे GRAC.in पे यानी GRAC के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके बाद जॉब अप्लाई में जाकर के यहाँ से जॉब अप्लाई पे एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी जो कि आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया और MHRD.net से मिलेगा उसके द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप एक्स आईटीआई हैं तो अप्रेंटिसशिप इंडिया और ग्रेजुएट या डिप्लोमा है तो आपको यहाँ पर मिलेगा MHRD.net के द्वारा। क्लियर रहेंगे। अप्लाई करने का लास्ट डेट रखा गया है गाइज 5 अगस्त को, तो 5 अगस्त से ज़्यादा आपका टाइम नहीं जाना चाहिए, 5 अगस्त तक आप हार्डली अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अब बात आती है कि ये स्टाइपेंड कैसा रहेगा, तो गाइज ध्यान रखिएगा एक्स आईटीआई के लिए कोलकाता का प्लेसमेंट रखा गया है और रांची का रखा गया है। अगर हम बात करें तो कोलकाता में 7000 और रांची में 7700। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ट्रेड अप्रेंटिस फ्रेशर के लिए, कोलकाता है फर्स्ट ईयर में 6000 और सेकेंड ईयर में 6600। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है ग्रेजुएट अप्रेंटिस कोलकाता सेंटर, कोलकाता के लिए अगर हम बात करें तो 15000 रुपये दिए जाएंगे। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में अगर हम देखेंगे तो 15000 है और
डिप्लोमा के लिए बात करें तो कोलकाता में 10,000, रांची के लिए 9,000। तो गाइज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट डेट, तो लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे आप, उससे पहले अप्लाई करेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एक ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ नॉलेज हो, टेक्निकल नॉलेज हो, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज हो अपने रिलेवेंट फील्ड से, तो आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे ही वीडियो आपके चैनल पे अवेलेबल होगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी कि XITI को कहाँ अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। ओके गाइस, तो ये थी आज की GRAC की अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो और हम एक बेटर एजुकेशनल कम्युनिटी यहाँ पर डेवलप कर पाएं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।